हेलो दोस्तों, मेरे चैनल के एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज आपको घुमाने वाले हैं पीपा पुल, तो चलिए शुरू करते हैं। रुकिए, जाना नहीं है, देख के जाइएगा पूरी वीडियो। सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए। ये साइकिल वाले लड़कों को आप पहचान रहे हैं? नहीं, क्योंकि मैं भी नहीं जानता, आपको कहाँ से बताऊँ। जो है पीपा पुल होते हुए आप कई गाँव में जा सकते हैं, गद्वार इसको कहा जाता है। मंदिर के बैक साइड का है ये, जो है मंदिर के बैक साइड का है, तो इसे ही बड़ा महादेवा मंदिर लोग कहते हैं और ये काफ़ी प्रसिद्ध भी है इधर। अगर जिसको भी आना होगा पीपा पुल के पास जाना होगा। ये देखिए बैजलपुर में भी में पड़ता है ये, देखिए बैजलपुर मोहम्मदाबाद। आपको ये पोखरा है यहाँ का, मतलब सीधा मतलब ये है कि अगर आपको पीपा पुल पे जाना है तो आप बड़ा महादेवा मतलब इंटर कॉलेज से दाहिने साइड घुसिएगा, गेट है बड़ा महादेवा के, इसे पूछिएगा बड़ा महादेवा मंदिर, तो कोई भी आपको बता देगा कि इधर है, तो उधर ये सीधे पकड़ के आप पीपा पुल तक पहुंच सकते हैं। मतलब पीपा पुल पे अगर आना हो तो, अगर भाई देवे ना जानता हो तो, इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद है जिसको, जिसमें पहले कभी हामिद अंसारी जी यहाँ शुरुआती शिक्षा प्राप्त की है, तो उसके जस्ट थोड़ा सा आगे 10 मीटर के आसपास जो है आप दाहिने साइड में गेट है, किसी से पूछिएगा बड़ा महादेवा मंदिर से नाम से प्रसिद्ध है, तो यहाँ किसी से पूछिएगा वो बता देगा, तो आप आराम से आ सकते हैं बड़ा महादेवा पूछ के। फिर यहाँ आए तो एक बात का ध्यान रखें यहाँ आने से पहले, क्योंकि यहाँ आवागमन जो शुरू होता है वो सूर्योदय के बाद शुरू होता है, और इसका जो आवागमन बंद होता है वो सूर्योदय के बाद बंद होता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अधिकतम जो भार वाहन इसका क्षमता है वो 3 टन के आसपास जो है आवागमन कर सकता है, आना जाना हो सकता है, और इसकी जो गति सीमा 5 किलोमीटर के आसपास प्रति घंटा आप रख सकते हैं, क्योंकि जितना धीरे चलेंगे उतना सेफ रहेगा। और ये प्रतिदिन जो है जहाज आने पर 11 बजे से 4 बजे के बीच जो है पुल बंद भी होता है, हो सकता है अगर जहाज आएगी तो, और बाढ़ जब आता है तो वो आपका वैसे भी ये पुल बंद हो जाता है, हटा दिया जाता है शायद। ये रहा बच्छलपुर रामपुर पीपा पुल। बच्छलपुर रामपुर पीपा पुल व बीरपुर फिरोजपुर के अमर पीपा पुल को शीघ्र चालू कराने की मांग के लेकर 2022 के आसपास, जनवरी 2022 के आसपास आधा दर्जन ग्राम प्रधानों ने पूर्व विधायक शिवकतुल्ला अंसारी के नेतृत्व में उप जिला अधिकारी आशुतोष कुमार को उस टाइम जो है संपूर्ण समाधान दिवस पे शनिवार को पत्रक सौंप के कार्रवाई के लिए मांग की थी, जो कि अभी ये पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतरीन है और चालू भी हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं कि गाड़ी का आवागमन, ट्रैक्टर जो भी कार वगैरह आना जाना है आ जा सकती है, बाइक है, कार है, ट्रैक्टर है, मतलब हल्का वाहन आना जाना यहाँ चालू है। ये भी नहीं कि जो है ट्रक वगैरह आएगा तो दिक्कत होगी, हल्की वाहन जो भी है वो आ सकती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बीच में जो है काफ़ी दिक्कत थी, एक साल के आसपास जो काफ़ी दिक्कत थी, ग्रामीणों ने मिल के इसको इसका समाधान के लिए इसका दिया था। उस टाइम पे जो है 2022 के आसपास में किसानों को जो है अपनी फसलों को यूसुफपुर मंडी में मतलब लाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था, अगर था भी तो पूरा घूम के तकरीबन 40-45 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था, तो काफ़ी लंबा रास्ता पड़ जाता था। तो गाड़ी और जिसको भी आना जाना है, और ये पुल जो है पीपा पुल कई गांवों को जोड़ता है, रामपुल, बच्छलपुर, आपका रेवतीपुर, फिरोजपुर, बीरपुर, गहमर, काफ़ी गांवों को जोड़ता है, तो यहाँ के लोग अब खुश हैं और नज़दीक होने के कारण जल्दी आना जाना भी हो जाता है। एक जो पहले बना हुआ सही नहीं था, अभी जो है ये बन चुका है जिसमें गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, आवागमन चालू है। ये रेवतीपुर से ये रेवतीपुर रास्ता निकलता है, बाकी और कई गांवों से जुड़ते हुए बिहार, करीब बिहार होते हुए कई गांव में जाता है यहाँ से, कि ये आवागमन एकदम जारी है, चालू है। ये देखिए बाइक, यहाँ देख सकते हैं पूरा बाइक का आना जाना जो है लगा हुआ है। स्टार्टिंग पॉइंट है ये मोहम्मदाबाद यूसुफपुर के से लेके यहाँ से ये जोड़ता है पूरा रेवतीपुर बिहार को, समझिए कि ये जो
ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ सरस्वती पूजा होने के कारण ये भसान, सरस्वती पूजा का भसान इधर ही हो रहा है। सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिए कि घंटा बजाएं, जो घंटा है, घंटा ना बजाएंगे तो घंटी की आवाज़ आपके पास कैसे आएगी, नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगा। इस वजह से आपको घंटा दबाना ज़रूरी है। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए घंटा ज़रूर बजाएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।